और आप देख रहे हैं पानी कितना दिक्कत है। उन लोगों को मैं बोलता हूँ ना, सड़क की नहीं गांव के भी लोगों को बोलता हूँ मैं कि कृपा पानी जो वेस्ट में बर्बाद ना करें, बहुत मुश्किल से पानी आता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत मतलब कि एक दो घर नज़र आ रहे होंगे, तीन घर, लेकिन पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जियो का टावर लग रहा है, फाउंडेशन हो रहा है, तो इसके लिए टैंकर मंगवाया गया है 5,000 लीटर का, और उसमें लिखा भी है जल ही जीवन। आप देख सकते हैं कि लोग, ये इनका घर यहाँ नहीं है, इनका घर कम से कम स्कूल के पीछे, वो देख सकते हैं कितना दूर है, आप खुद देख लीजिए, मैं जूम किया हूँ, देखते हैं कितना दूर है। तो पानी की बहुत समस्या है, ये लोग पानी भरने के लिए आए हैं वहाँ से, और आप देख सकते हैं लोग गांव से आए हैं पानी लेने के लिए, अब ये लोग पानी भर के जा रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी दूर तक जाएंगे ये लोग, 500 से, अब मुझे लगता है 500 से दूर ही होगा। इसलिए कृपा करके जल ही जीवन है, इसे बर्बाद ना करें। पानी, उन लोगों को पानी का अहमियत मालूम है जो बहुत दूर से देखे, इन लोग पानी का अहमियत, आप इनसे पूछिए कि पानी के लिए कितने लोग वो, अभी तो धूप नहीं है, चिलचिलाती हुई धूप में सुबह में पानी लेके गए हैं, दोपहर में भी लेके गए, ये पानी को कृपा करके बर्बाद ना करें। तो यहाँ जियो का फाउंडेशन लग रहा है, यहाँ एक भी घर नहीं है फिर भी फाउंडेशन लग रहा है, टावर लग रहा है, क्यों? क्योंकि आगे रेलवे लाइन गई हुई है, उसको रेलवे को देने के लिए, रेलवे को नेटवर्क देने के लिए कंपनी ने प्रोवाइड किया यहाँ पे नेटवर्क। ये देखिए कितना अच्छा गाय सुनहरा, गांव का मौसम ही बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग झुंड में गाय आ रही हैं, कोहरे का मौसम है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। बाकी ये इसके हाइट, टावर की हाइट रहेगी 60 मीटर। ओके बाय।